Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तुम दाल कचौरी क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? क्योंकि मम्मी कल हमारी रेस है, इसलिए हम कुछ हल्का ही खाएंगे। सोने से पहले दूध और फल, बाकी कुछ नहीं। कमाल है, एक कचौरी खा लेती तो क्या हो जाता? ये लड़की भी ना। कंग्रेचुलेशंस भैया, हमें ट्रीट चाहिए ना? श्योर। फाइनली हमारी भैया की नौकरी लग गई, कितनी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। दीदी ये कचौरी और दही बड़े गुंजन के लिए। हम दे देते। मौसी जी क्या देख रही हैं? यही कि हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, कितनी समझदार और सुलझी हुई। इस मयंक वाले किस्से को तुमने अकेले कितने सूझबूझ के साथ संभाला है बेटा। भगवान करे हर जन्म में हमें तुम्हारी जैसी बेटी मिले। और हमें पक्का मालूम है तुमने मयंक को अपने से दूर रहने को कहा होगा, है ना? भगवान जी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते मौसी जी। उन्हें लगता है कि ये लड़की तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे देते कि ये तो संभाल लेगी। लेकिन उसे संभालना आसान नहीं है मौसी जी। हम जानते हैं बेटा, पर तुम उदास मत हो। सोना तब करी कुंदन बनता है बेटा। तुम भी देख लेना, तुम इन सारी कठिनाइयों से ऊपर उठकर एक दिन बहुत ही सुंदर और विजयी निकलोगी। हमें पता है हमारी बेटी कभी नहीं हार सकती। मुझे नौकरी मिल गई है गुंजन। तुम्हारी ये फोटो, मैं जानता हूं कि ये मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए, बट आई प्रॉमिस कुंजन, आई प्रॉमिस कि जिस दिन मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा कि इस फोटो को और तुम्हें मैं अपने से जुदा कर दूं, promise that day I will. लेकिन अभी एक झटके में मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकता गुंजन, नहीं कर सकता। I just can't. रचना ये क्या है बेटा? अब बस भी करो, चलो नीचे, बंद करो ये सब। नहीं मम्मी आप कुछ भी कहिए लेकिन हम नहीं रुकने वाले। कल हमारी रेस है और हमें कैसे भी करके जीतना ही है। एक्सरसाइज से स्टैमिना बढ़ता है और पागलपन भी। सची ना, दीवानियों की तरह सुबह से बिना खाए लगी पड़ी हो। अब चलो नीचे चलकर खा लो। नहीं मम्मी हमारा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या है बेटा, प्रतियोगिता को प्रतियोगिता ही रहने दो। अब गुंजन को देखो कितने आराम से बैठी। क्योंकि हम और वो दो अलग लड़कियां हैं और हमें कैसे भी करके ये कॉम्पिटिशन जीतना ही है। ऐसा क्यों कर रही हो पिता? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें गुंजन से टक्कर लेनी है? नहीं मम्मी, हमारा कॉम्पिटिशन अपने आप से है। हम ये सब कुछ अपने आप के लिए कर रहे हैं। हम जिंदगी भर बेचारी बनकर नहीं जीना चाहते।
हमें अपने आप को परखना है। मम्मी, हाँ आप अब जाइए ना, हमें एक्सरसाइज करने दीजिए। ठीक है, जल्दी नीचे आ जाना। जी मैम। नानन जी, आपको कुछ खाना नहीं है लेकिन पी तो सकती है ना, लीजिए केसर बादाम का दूध पी लीजिए, हम आपके लिए लाए हैं। नहीं नहीं चारू बाबे, अभी नहीं। ठीक है, बाद में पी लेना, लेकिन पीना जरूर। ओके जी। दोनों बहनों के बीच में कंपटीशन, वाह, सोने पे सुहागा। जो दरार दोनों बहनों के बीच में आई है उसे अब और चौड़ा करने का टाइम आ गया। कुंचन को कुछ भी जीतने नहीं देना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपने देखा कृष्णा कितनी तैयारी कर रही है। हाँ सो तो है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कुछ खा क्यों नहीं रही है। ताकि वो लाइट फील कर सके। आपको तो पता है हमारी रचना स्पोर्ट्स में कितनी अच्छी है, और हमें तो पूरा यकीन है कि रचना ही जीतेगी। लेकिन वो है ना टेढ़ी खीर, वो गुंजन वो क्रिकेट जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। गुंजन से दूर ही रहना चाहिए रचना को। रचना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो जाओ फिर नाश्ता करके निकलते हैं। ठीक है। और थोड़ा लुप्त बस नो। ये तो रचना की आवाज है। तुम बाथरूम जाओ। रचना, रचना, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मम्मी शैम्पू गिरा हुआ था और हमारा पैर फिसल गया। शैम्पू गिरा हुआ था? रचना अभी तक तो तुम नहाई नहीं। तुमसे पहले तो गुंजन नहाने गई थी। That means what nonsense? मैंने शैम्पू नहीं गिराया। तो फिर गलती से गिर गया होगा। Are you mad? मैं शैम्पू क्यों गिराऊंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी चारू? एक्सरे तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक है, बस वो पैर थोड़ा मुड़ गया था और कुछ भी नहीं। बाम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा अपने आप। देखो रचना आलस मत करो, चलो डॉक्टर के पास। मम्मी चलिए जी। हमने कहा ना हम ठीक हैं। देखा ना तुमने, छोटी सी लापरवाही से क्या कुछ हो सकता। प्लीज ध्यान रखा करो थोड़ा। और रहने दीजिए चारू भाभी, हमने कहा ना हम ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, अब रहने दीजिए, आप जाइए। हाँ हाँ हमें भी बहुत सारा काम है। वो मयंक जी हमारा वेट कर रहे होंगे ना, उनको मेडिसिन देनी है, तो हम भी चलते हैं। बाय। गलती से गिर गया हो तो
I'm sorry for that. लेकिन मैं अपनी प्यारी सी बहन को चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगी, है ना? I hope तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो. Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें.